बीकानेर के श्री कौलियत तहसील की बीठ नोक ग्राम पंचायत में एक साथ करीब 300 कबूतरों की संदिग्ध मौत होने से वन्यजीव अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एक साथ 300 कबूतरों की मौत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीठ नोक ग्राम पंचायत की माधोगढ़ की रोही में चक खुड्डी की ओर जा रहे रास्ते पर खेतों में कबूतर मृत अवस्था में पड़े दिखाई दिए। क्षेत्र में बकरियां चराने वालों ने इन मृतक कबूतरों को देखकर ग्रामीणों को सूचना दी, जिस पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर वन विभाग के अधिकारी व पुलिस थाना अधिकारी को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कबूतरों को इकट्ठा कर मामले की जांच में जुट गए। वन विभाग के अतिरिक्त वन संरक्षक नरेंद्र चौधरी ने बताया कि कबूतरों की मौत के मामले की जानकारी लिए संबंधित अधिकारियों को भी सूचना दी गई है। जल्द ही मौके से मिले मृत पशुओं की मौत का कारण स्पष्ट होगा और जरूरत पड़ने पर मृत कबूतरों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। वहीं बर्ड फ्लू की आशंका में सैंपल लेने में सावधानी बरती जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि इस क्षेत्र में अगर बर्ड फ्लू जैसी बीमारी कोई है या किसी पेयजल में गड़बड़ी है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ कबूतर मरने की ये घटना चौंकाने वाली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।